क्या पूछना? देखो लोकसभा का तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है हरियाणा में, एक कुरुक्षेत्र की सीट आप पार्टी को है, 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। और हम जीतने का कई लोग कहते हैं बीजेपी वाले ये कह रहे ये डरे हुए हैं। जब आदमी डरता है ना, जो डरता है वो फिर फन खड़ा कर लेता है, तो ये डरे हुए हैं, फन खड़ा किए हुए हैं, ये भयभीत हैं, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार का 5 साल का तो यहाँ राज रहा है, वो लोगों के तो उससे खरी नहीं उतरी है, बेईमाना किया है, लोग अपने अपमान का बदला लेंगे। मुन्ने भी से लागे से ओ उनने कहें बेशरम ये छोड़ जो उनने कहें बेशरम है, मैं कहूँ हैं दोनों तरफ से इस तरह का सौदा भाई, वो रखना नहीं चाहते, तुम धक्के उनके लिए रह रहे हो, क्यों रह रहे हो भाई? अगर अपनी लोकप्रियता पर थोड़ा सा घमंड है तो जेजेपी ने उसी दिन छोड़ देना चाहिए था जिस दिन बीजेपी के उस वक्त के तत्कालीन अध्यक्ष धनखड़ साहब ने कहा था कि हम 10 की 10 सीट पर लड़ेंगे, उसी दिन उन्हें वापस होना चाहिए था। और बीजेपी से इसलिए बेशर्मी की बात करती है कि बार बार कह रहे हैं भाई हम 10 की 10 सीट लड़ेंगे, अपने सहयोगियों के साथ इतना बड़ा बेईमानी क्यों कर रहे हो भाई? उनको छुट्टी करो, जो भ्रष्टाचार के आरोप है दोनों तरफ से भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं, बुरी हालत है इनकी, तो इनकी चर्चा मेरे हिसाब से सिर्फ चुनाव में कराएंगे, लोगों को बताएंगे भ्रष्टाचारियों से, गलत काम करने वालों से, स्कैंडलों में शामिल नेताओं से, और क्या बोलते हैं इनको कमीशन खोर, बहुत तरह तरह के आरोप इनके ऊपर हैं, आरोप सही है आरोप गलत नहीं है, उनका जवाब इन्होंने चुनाव में देना पड़ेगा। लोकसभा में ये जावेगा नायब सैनिक की जमान जब्त तो होगी, वार्ज बच्चे जी मैंने बता दियो नायब सैनिक को, नायब सैनिक क्या कह के वोट मांगेगा? अरे भैया 5 साल आप MP रहे हो, किसी को घर में बिठा करके जलपान भी कराया है, किसी गांव में जा करके देखा 5 साल, जात और धर्म के नाम से सैनी साहब कब तक वोट मांगोगे? आज रोजगार चाहिए, रोजगार दिया हो तो सैनी साहब बताएं, आज विकास चाहिए, क्या करवाया कलायत में, क्या करवाया कैथल में? बुरा हाल है इन इलाकों का, सड़कें नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं, अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, नहरें हैं तो पानी नहीं, तारे हैं तो बिजली नहीं, हालत क्या है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थाना और तहसील बुरी तरीके से बिक रहे हैं, हालत क्या इस पर किसके क्या कह करके वोट मांगेगा नायब सैनी? इनकी बहुत दुर्गति होनी है। मैं तो सहयोग करूंगा, हमने तो आम आदमी पार्टी को कह दिया हम पूरा मदद करेंगे, और 1-2 दिन में हम कलायत में इनका आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी, उसके बाद फिर ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, दफ्तर खोल रहे पूरी जो हिसार सॉरी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता जम करके मदद करेंगे।